नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आप लोग जो है सो कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए कि आप लोग का जो पढ़ाई है ये कैसा चल रहा है, कहाँ कहाँ पे आपको जो है सो डाउट आ रहा है। और दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास टेंथ के लिए दोस्तों हम और भी सब्जेक्ट का वीडियो हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत जल्द दोस्तों वो भी सब्जेक्ट आपको आपके बीच जो है सो और भी मतलब कि वीडियोज होगा बहुत जल्द। और दोस्तों बस व्हाइट बोर्ड लगने का इंतज़ार है, जैसे ही व्हाइट बोर्ड लग जाता है तो आपका दोस्तों और भी बहुत सारे क्लास हम लेने वाले हैं और आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, चाहे वो हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो या फिर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का हो, ये सब कुछ आपको हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग बस भरोसा बनाए रखिए ऐसे ही। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हम दोस्तों क्लास जो टेंथ का कंप्लीट साइंस हम लोग कर रहे हैं, इसमें दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का दो भाग जो है सो हम लोगों ने कर लिया था, भाग 1 भाग 2, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया था मेंडलीफ का आवर्त सारणी। यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था और जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट था, क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ थी और क्या क्या जो है सो इनकी जो आवर्त सारणी थी इसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या इनके आवर्त सारणी के लिमिटेशन थे, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। तो दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसका यूज हम लोग वर्तमान में करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें खास हैं और क्यों जो है सो आखिर अभी जो वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या है इसमें इसकी जो विशेषताएं हैं वो ज़्यादा हैं और जो कमियां हैं पिछले सारे जो पीरियोडिक टेबल दिए गए थे अन्य साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो सभी कमियां को इसमें दूर कर लिया गया है दोस्तों। तो इसी वजह से दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि दिया गया है मोस्लेर के द्वारा, जो कि एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने दोस्तों जब बनाया था पीरियोडिक टेबल तो ये दोस्तों टोटल 118 एलिमेंट्स को इसमें शामिल किया था, जो कि 118 एलिमेंट्स उस समय तक खोजे जा चुके थे दोस्तों। और आपको हम बता दें तो अगर भविष्य में और भी अधिक जो है सो एलिमेंट्स खोजे जाएंगे तो उसके लिए भी दोस्तों इसमें स्पेशल जो है सो स्पेस रखा गया है ताकि उनको जो है सो इस पीरियोडिक टेबल में शामिल किया जा सके। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि इनके पीरियोडिक टेबल से संबंधित है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आपको दोस्तों कि इनका जो आवर्त सारणी था ये परमाणु क्रमांक के ऊपर जो है सो आधारित था। मेन बात यहाँ पे आपको सबसे मतलब इसीलिए अलग कर देता है, और जो भी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिया गया था डोबेराइनर के द्वारा, न्यूलेट्स का जो अष्टक नियम था उसके द्वारा या फिर दोस्तों मेंडलीफ के द्वारा, तो ये सभी जो पीरियोडिक टेबल था ये आधारित था परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। जबकि दोस्तों जो मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है ये आधारित है परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पे। तो एक तो मेन विशेषता ये था कि इसको जो है सो प्रोफेसर मोस्ले ने इसको क्या किया था, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पे जो है सो इसको सजाया था, क्रम में रखा था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जो सेकंड है ये है आपका कि इसमें हाइड्रोजन को उचित स्थान जो है सो दिया गया था। इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्या किया गया है, उचित स्थान दिया गया है और हाइड्रोजन को पहला स्थान मिला है, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर यानी कि जो दोस्तों आप इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, और आप लोग को इसमें दोस्तों पीरियोडिक टेबल में कम से कम 20 तक का एलिमेंट्स याद रखना है। पीछे दोस्तों हम लोगों जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर कर रहे थे तो उसमें आपको हमने बताया भी था कि आपको जो है सो 1 से 20 तक आपको एलिमेंट्स याद रखना है, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर याद रखना कंपलसरी है, एटॉमिक मास भी आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग जो है सो
एक से 20 तक अवश्य ही याद कर लीजिए, अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो, क्योंकि आपके काम का चीज़ है, एग्जाम में आपको जो है सो इसका प्रॉफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट है जो कि यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, चाहे दोस्तों एक नंबर का हो या फिर दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस भी कभी बन सकता है। तो आपको अगर डिफरेंस लिखना होगा तो आप लोग दोस्तों ये सब पॉइंट्स को उसमें शामिल करके लिख सकते हैं। दोस्तों अगला दोस्तों आपका यहाँ पे है कि इनका जो आवर्त सारणी था इसमें टोटल 7 आवर्त था और समूह की संख्या कितना था, तो 18 समूह था, जबकि मेंडलीफ में क्या था दोस्तों, मेंडलीफ में टोटल आपका 6 आवर्त था, ठीक है, 6 आवर्त और 8 समूह था। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इस प्रकार से डिफरेंस को लिखेंगे, समूह के बारे में हम लोग बताएंगे, तो हम इसमें लिख सकते हैं दोस्तों कि जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था इसमें क्या था, इसमें 6 जो है सो आवर्त था और समूह की संख्या 8 था, जबकि दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो मोसले यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, ये साइड में हम लोग लिखेंगे कि दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आवर्त की संख्या 7 और समूह की संख्या 18 है वर्तमान में दोस्तों, अभी यूज में है तो इसको हम लोग कहेंगे है, ठीक है, और वो था, ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों एक और पॉइंट आप लोग इसको देख लीजिए, ये है आपका यह आवर्त सारणी का क्या है, दीर्घ रूप है। आवर्त सारणी का कैसा रूप है, दीर्घ रूप है, और अगर दोस्तों शॉर्ट फॉर्म पूछेगा, शॉर्ट रूप पूछेगा, तो वो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट रूप है वो, ठीक है, एक तरह से क्या बोलेंगे शॉर्ट को, आप लोग हिंदी देख लीजिएगा। चलिए इसको आप लोग समझिए, जो मोसले का है ये कैसा रूप है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। अब दोस्तों यहाँ पे इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमने आपको बताया कि 118 एलिमेंट्स था आधुनिक आवर्त सारणी में, और इसके बाद दोस्तों अब हम लोग अब देखिए आपको हम दिखाते हैं जो वर्तमान आवर्त सारणी है, ठीक है, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको जो है सो देखने में कैसा है, आप लोग देखे होइएगा, फिर भी आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम बताते हैं ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों जो ग्रुप 17 है इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं हैलोजन, ठीक है, ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं, जबकि ग्रुप 18 को दोस्तों हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस, ठीक है, नोबेल गैस इसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग जो है सो ये दोनों को याद रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है एक नंबर में कि दोस्तों जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन, और जबकि जो ग्रुप 18 के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस। और जो नोबेल गैस होते हैं ये जो है सो मतलब कम रिएक्टिव होते हैं, इनका जो अष्टक होता है ये कम्प्लीट होता है, इस वजह से ये जो है सो रिएक्ट कम करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको दोस्तों कुछ हम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग जो है सो बने रहिए, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, आप लोग जो है सो उसको एक बार देख लीजिएगा और उसको जो है सो प्रयास कीजिएगा उनसे उसका आंसर लिखने का। एक वीडियो इसका हम और बना देंगे दोस्तों जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हम डिटेल में यहाँ पे समझा देंगे। वीडियो आपका 20 से 25 मिनट का होगा जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से हम आपको समझा देंगे, और उससे दोस्तों आपका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। एक दोस्तों देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो कितने आवर्त थे और कितने समूह थे, दोस्तों आपका यहाँ पे टोटल अभी हम तुरंत आपको बताया है कि 6 आवर्त था और समूह की संख्या 8 था, तो आपको ये चीज़ कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व रहते हैं, ठीक है, ये पूछा है दोस्तों वर्तमान आधुनिक जो आवर्त सारणी है
उसका बात कर रहा है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा है। तो कितना होता है दोस्तों, इसमें 8 होता है। अब पूछेगा पहला आवर्त में, तो पहला आवर्त में 2 होता है, दूसरा आवर्त में 8 होता है, तीसरा आवर्त में भी 8 होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी के शून्य समूह के पहले तत्व का नाम लिखना है दोस्तों। आवर्त सारणी के शून्य समूह का पहले तत्व का नाम आपको लिखना है, तो वो क्या होगा, हीलियम होगा। ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछ दिया जाता है, यहाँ पे शून्य समूह कहा गया है, ठीक है, पहला जो समूह है उसको, तो आप लोग जो है सो इसको शून्य समूह मान, शून्य समूह भी कभी कभी इसको कहा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग शून्य समूह कहेंगे। और इसका आंसर हो जाएगा, शून्य समूह के पहले तत्व का नाम क्या होगा, हीलियम हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का बात किया है, इसमें आवर्त का संख्या पूछ दिया है और ग्रुप का संख्या पूछ दिया है। दोस्तों हमने आपको अच्छे से समझा दिया था पिछले अभी जो हमने किया, ठीक है, जो हमने आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसमें आपको हमने बता दिया था कितने आवर्त होता है और कितना ग्रुप होता है। आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे से फिर से वीडियो को देखिए, इसका आंसर यहाँ पे हम जो है सो नहीं देने वाले हैं, ठीक है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, क्षैतिज कतार, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं दोस्तों क्षैतिज कतार होता क्या है। तो दोस्तों आपको ये ऐसे ऐसे लंबा वाला जो लाइन है, ठीक है, इधर से इधर गया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। और जो ये सीधा वाला लाइन है ऊपर से जो नीचे आया हुआ है, ये आपका होता है ग्रुप। आप लोग देख सकते हैं 18 ग्रुप है, यानी कि जो सीधे सीधे का लाइन है, जो एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसी को हम लोग आवर्त बोलते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ आपका जो है सो एलिमेंट्स दे दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन, नियोन, सोडियम, ये दे दिया है। और दोस्तों इसमें से आपका पूछ दिया है दोस्तों कि आपका जो है सो इसमें से उत्कृष्ट गैस कौन सा है, नोबेल गैस कौन सा है, ये पूछ दिया है। तो नियोन जो है ये नोबेल गैस है। आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, ग्रुप जो 18 वाला जो भी एलिमेंट्स हैं इसको याद कर लीजिएगा, वो सभी क्या हैं, नोबेल गैस के श्रेणी में आते हैं। और हेलोजन आपका ग्रुप 17 हमने आपको बता दिया है, तो आप लोग इसको जो है सो हो सकता है तो याद कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से प्रश्न आपका दे देगा, जैसे इसमें से 4 से 5 कोई भी एलिमेंट दे देगा और एक आपका दे देगा हेलोजन का, पूछ देगा कि इसमें से हेलोजन कौन सा है, आप लोग चुन के बताइए, या फिर हेलोजन का ही दे देगा 4 से 5 और एक आपका अदर दे देगा। मान लीजिए नोबेल गैस का कोई एक एलिमेंट दे दिया, आपका पूछ देगा दोस्तों यहाँ पे कि इनमें से कौन सा जो है कि हेलोजन नहीं है, तो आप लोग को ये चीज़ याद रखना चाहिए। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव का आधार क्या था, ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव का जो आधार था वो था परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास था, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था, तो परमाणु संख्या, ये भी आपका हो चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला जो पूछा गया है, आवर्त सारणी के प्रथम समूह में कितने तत्व होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम समूह में पूछा है, तो प्रथम समूह यानी कि जो यहाँ पे आपका वर्टिकल लाइन है इसमें देखिए, ठीक है, पहला जो वर्टिकल लाइन देखिए फर्स्ट वाला ग्रुप, तो इसमें कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। आगे आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 2 तत्व हैं, ये हमने बता दिया है, हाइड्रोजन और हीलियम को यहाँ पे रखा गया है। एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखें, कोई भी एक निष्क्रिय गैस, यानी कि दोस्तों जो कि रिएक्शन नहीं करता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, ठीक है। तो आप लोग नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे हीलियम को लिख दीजिए, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक नंबर वाला क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन आपको हम और हम यहाँ पे आपको बता दें जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे है आपका एक क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी है, ये दोनों में अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप लोग जो है सो इस क्वेश्चन को कीजिएगा, इसको हम जो है सो नहीं करवाने वाले हैं, इसको हमने अच्छे से समझा दिया है, तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखे होइएगा तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे है,
यहाँ पे दोस्तों आपका कहता है कि जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था, ठीक है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी तैयार करने के लिए क्या क्या मापदंड यहाँ पे अपनाया गया, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, दो क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया कि 6 से 7 या फिर दोस्तों 6 से 8 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन आपको, एक मतलब हम स्पेशल वीडियो रख दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का क्वेश्चंस के लिए, और जो भी इसमें पढ़ना था वो आपको हम समझा चुके हैं, मेन जो थ्योरी वाला जो पार्ट था, अब आपको क्वेश्चंस करना है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, और उसको दोस्तों समझना है क्वेश्चंस को और उसको याद रखना है, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं कीजिएगा तब तक आपको जो है सो इसका प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम में क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछा जाता है। ऐसा नहीं है थ्योरी वाला आपका काम नहीं आएगा, थ्योरी वाला भी आपका काम आएगा, लेकिन क्वेश्चंस को हमको करना आवश्यक है। तो इसीलिए एक सेशन क्वेश्चंस के लिए, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बायोलॉजी पढ़ेंगे, और बायोलॉजी बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा ऐसे ही। अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।